दोस्तों यूपी के माफिया अतीक अहमद के बेटे की कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया है, लेकिन अब एक और चौंकाने वाली खबर आई है और ये खबर ये है कि हाल ही में अतीक अहमद को बदमाशों ने मार डाला है। आज हम इसी को लेकर बात करने वाले हैं, तो बताते हैं आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों प्रयागराज में शनिवार रात गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की रिमांड के दौरान गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच तीन हमलावरों ने अतीक और अशरफ पर हमला किया। यह हमला उस वक्त हुआ जब पुलिस अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए कॉलिन हॉस्पिटल ले जा रही थी। इसी दौरान मीडिया कर्मी दोनों भाइयों से बातचीत करने लगे। एक मीडिया कर्मी ने पूछा, अतीक तुम असद के जनाजे में भी शामिल नहीं हुए थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अतीक ने जवाब दिया, नहीं भेजा गया तो नहीं गई। इसके तुरंत बाद ही तीन हमलावरों ने सीधे गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोनों भाइयों पर करीब 10 राउंड फायरिंग की गई थी। सबसे पहले अतीक की कनपट्टी पर सटाकर गोली मारी गई, जबकि अशरफ के सीने में पहली गोली मारी गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी और हमलावरों ने तुरंत ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। हमलावरों की पहचान लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया कर्मी बनकर आए इन हमलावरों ने 16 सेकंड में ही 10 राउंड फायरिंग कर दी। पहली गोली चलाने के बाद वे लगातार पिस्टल का ट्रिगर दबाते रहे और जब तक उन्होंने गोली चलाई तब तक दोनों भाइयों की मौत नहीं हो गई थी। दोस्तों इस मामले में पुलिस ने बताया है कि हमले में एक पत्रकार और एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है और घटना स्थल की सैंपलिंग ली जा रही है। जैसे ही कोई नया अपडेट मिलेगा मीडिया को दिया जाएगा। प्रयागराज की घटना को देखते हुए पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। इस हमले के वीडियो भी सामने आए हैं। हमले में कांस्टेबल मानसिंह को भी गोली लगी है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। इस हमले के तुरंत बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सीएम योगी से मुलाकात की। इसके बाद सीएम योगी ने आपातकालीन बैठक की थी। दोस्तों हत्या से पहले दोनों को पुलिस कसारी मसारी इलाके में लेकर गई थी, जहां अतीक की निशानदेही पर एक खंडर में दो विदेशी पिस्टल और लगभग 58 कारतूस बरामद किए गए थे। इनमें से कुछ कारतूस पाकिस्तान से बताए जा रहे थे। तो दोस्तों इस प्रकार बदमाशों ने पुलिस और मीडिया कर्मी के सामने ही अतीक अहमद और उसके भाई की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इन बदमाशों को लेकर, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।